यदि अभी तक आपने रेनू यादव ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को क्लिक करें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो स्क्रीन पे बेल आइकन का निशान दिख रहा है उसको प्रेस करें। आज की वीडियो की होल्डर की है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये मैक्रम और बीड से बनाई गई है। जहाँ पर आपकी चाबियाँ बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, आपको टाइम पे नहीं मिलती है, इसकी होल्डर की मदद से आप उनको मेंटेन कर सकती हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ बीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ बेल्स की, और इसमें डालने के लिए कुछ रिंग्स। यहाँ पे आप 5 से 6 रिंग यूज कर सकते हैं। और ये मैंने जो बीड्स लिए हैं ये 2 कलर के लिए हैं, पिंक और ब्लू कलर के, और ये एक वुड स्टिक ली है। और यहाँ पे एक मैक्रम कॉर्ड का यूज़ करेंगे। इसको मैंने पीसेज में काट लिया है, ये 4 पीस में काट, और ये 60 इंच का एक पीस लिया है, इसको डबल में लिया है। और यहाँ पे एक रिंग लेना है आपको 1 इंच का, मेरे को सिंपल वाला रिंग मिला नहीं इसलिए मैंने इसी रिंग का यूज किया है। इसको हम इस तरह से नोट लगा लेंगे इसमें डाल के। और अब इस प्रकार से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है मैंने, डबल में होने के बाद में ये 8 कोड हो गए थे, 4 इस साइड हैं, 4 इस साइड हैं, दोनों को अलग अलग कर लिया है। ये सिंपल वाली नोट है, ये वाली नोट मैंने मैक्रम का जो मिरर बनाया था उसमें भी लगा रखी है, और गणेशा जी बनाया था उसमें भी लगा रखी है। मैक्रम के कोई भी आइटम बनाने में सिर्फ 2 से 3 ही नोट का यूज होता है, मोस्टली यही वाली नोट यूज की जाती है। यहाँ पे मैं 3 से 4 नोट लगाऊंगी, आप चाहे तो 4 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। नोट लगाने के बाद में इसमें बीड डालेंगे। स्टोन डालने के बाद में वापस से वो ही प्रोसीजर होगा, 3 से 4 नोट लगानी है, जितना भी आप लगाओ 4 या 3 एग्जैक्ट रखना है आपको। यदि ऊपर 4 लगाते हो तो फिर नीचे भी 4 ही लगानी है। ये मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया है, धीरे धीरे बनाने में काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती इसलिए थोड़ा स्पीड कर दिया है। प्रोसीजर सेम ही रहेगा जैसा हम ऊपर से बना के लाए हैं। थर्ड वाला मैंने स्टोन डाल दिया है, इसमें हम 4 स्टोन का यूज करेंगे और फिर वो ही बनाना है। फाइव स्टोन हो गई हैं, उसके बाद में एक नोट और लगाई है लूज करके। दूसरी तरफ से बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है।
जिस प्रकार से इसमें बनाया था वैसे ही हम दूसरी तरफ से भी बना के ले आएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे स्टिक डालनी है, और इस प्रकार से हम इसमें स्टिक डाल देंगे। इसको टाइट कर देंगे क्योंकि ये सिल्क वाला है, स्लिप हो जाता है। दूसरी साइड भी डाल देंगे, और दोनों को डालने के बाद में फिर हम 40 इंच के और कोर काट लेंगे, डबल में ले लेंगे। डबल में आने के बाद में 20-20 के बच जाएंगे, सिंगल में हमें 40 इंच का काटना है और 22 काटने हैं हमें, 22। सभी को इसमें स्टिक में डाल देंगे, वही वाली जो स्टार्टिंग में हमने डाला था, इस प्रकार से हमें इसमें डाल देंगे। और इस प्रकार से इसको नोट लगाना स्टार्ट कर देंगे, चार धागे पे जो नोट लगाते हैं, जो हमने ऊपर भी लगाई थी, वही नोट लगाना हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सारे में मैंने ये नोट लगा दी है। अभी इनमें स्टोन डालना शुरू करेंगे, स्टोन डाल के फिर नोट लगा देंगे। अभी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देती हूँ, अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर इन दोनों के बीच में एक एक स्टोन और डाल देंगे।
यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। फर्स्ट वाली लाइन में 12 स्टोन थे, सेकंड वाले में 11, फिर 10, 9, 8, 7 ऐसे हो जाएंगे। ये हमने इतना बना लिया है। इसको बनाने के बाद में 3 से 4 लाइन हम सिंपल बनाएंगे विदाउट स्टोन के, स्टोन नहीं डालेंगे। यदि आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, आप अपना सीधा स्टोन भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 3 लाइनें बनाई हैं सिंपल वाली। ये जो सिल्क वाला थ्रेड है ये ख़राब नहीं होता मैक्रम, और जो हम वो नॉर्मल वाला लेके आते हैं वो ख़राब हो जाता है, उसका कलर फेड हो जाता है, इसलिए उसका सामान बनाने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं मोस्टली वीडियो में यही वाला यूज़ करती हूँ मैक्रम। अभी इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। नीचे तक बनाने के बाद में अब इसका किनारा बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए स्टार्टिंग का एक थ्रेड हम कुछ इस प्रकार से लेंगे। इस प्रकार से हमें 2 बार दूसरे वाले धागे को घुमाना है इस टाइप से। यदि ज़्यादा स्पेस लगता है तो आप 3 टाइम्स भी घुमा सकते हो। इस प्रकार से इसकी किनारी बना लेंगे। इस प्रकार नीचे तक बनाने के बाद में अभी एक लाइन और बना के ले आएंगे। ये दूसरी लाइन भी बना ली है और उस तरफ से भी मैंने पहले ही बना लिया था। अभी इसमें मैं आप यहाँ पे एक भी डाल सकते हैं और यदि चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं। 2 स्टोन डाल के यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे।
क्लोज हो गया, एक्स्ट्रा को निकाल देंगे। अब इसमें हम बेल्स डालेंगे। यहाँ पे जो स्टोन लगी हैं वो 79 है, और जो बेल्स लगी हैं वो 29 है। यहाँ पे मैंने 7 रिंग यूज की हैं, एक ऊपर लगाने के लिए और 6 इसमें मैंने हैंग किए हैं। और इस टाइप से इनको बांध देंगे। यहाँ पे उल्टी तरफ से बांधने हैं और मैं इनको साथ साथ में पेस्ट कर रही हूँ। इस टाइप से बांध के इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें ज़्यादा मैक्रम नहीं लगने वाला है, एक लच्छी में आपके एटलीस्ट 2 तो बन ही जाएंगे, तीसरा भी बन सकता है। अभी काफ़ी बचा हुआ था, इसमें ज़्यादा नहीं लगा। यदि आपको ये पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपको कैसी लगी। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपके पास पहुंच जाएगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। मैंने ये सारे इस पे हैंग कर दिए हैं, बांध दिए हैं इसके साथ में। अभी हम इसमें रिंग डाल देंगे। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके इसके अंदर फंसा दूंगी, स्टोन में ही डाल देती हूँ। इसको हम टाइट कर देंगे। इस प्रकार से हम सारे ये हैंग कर देंगे इसमें। और ये हमारा की स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।